वो भी सिर्फ इंस्टॉलमेंट्स पे है बाकी मेजॉरिटी जो 90 परसेंट ऑफ द प्रॉपर्टी है दैट इज अवेलेबल ऑन द कैश अभी जब कोई भी इंडिविजुअल जब कैश की प्रॉपर्टी लेता है तो उसके लिए बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो उसके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तो इस सीरीज का बनाने का मकसद यह है कि जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इन्वेस्टर या बायर जब कैपिटल स्मार्ट सिटी में प्रॉपर्टी ले तो उसको हर एक डिस्ट्रिक्ट और हर एक ब्लॉक के प्रोज कॉन्स लोकेशन डायमेंशन हर एक चीज के बारे में जो है वो पता हो तो सबसे पहले जो हम डिस्ट्रिक्ट कवर करने जा रहे हैं दैट इज वो ईस्ट और उसमें हम ब्लॉक ए को जो है वो कवर करने जा रहे हैं आज की वीडियो में मैं आपको वो ईस्ट ब्लॉक ए की लोकेशन के बारे में बताऊंगा साइजेस ऑफ प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा डायमेंशन ऑफ प्लॉट्स के बारे में बताऊंगा कैटेगरीज ऑफ प्लॉट्स यहाँ पे किस किस साइजेस के जो है वो प्लॉट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा फिर हम टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स बताएंगे कि टोटल यहाँ पे कितने प्लॉट्स लोकेटेड हैं फिर हम रेट्स बताएंगे कि जो सोसाइटी के प्री लॉन्च रेट्स है लॉन्च रेट्स से वो क्या रेट्स से और उसके ऊपर जो है वो कितने डेवलपमेंट चार्जेस थे फिर हम डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बात करेंगे कि अगर हम बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024 देखें तो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए में डेवलपमेंट का जो है वो क्या स्टेटस है इसके अलावा हम बात करेंगे ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए की एक्सेस की कि अगर आप उसको मोटरवे से एक्सेस करते हैं तो आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और अगर आप उसको चक्री रोड से एक्सेस करते हैं तो आप उसको कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा हम जो नियरेस्ट कम्यूनिटीज हैं ब्लॉक ए के उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे और उसके सराउंडिंग में जो नेबरहुड ब्लॉक्स हैं उसके बारे में जो है वो आपको बताऊंगा और लास्ट में मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा कि अगर कोई इंडिविजुअल दस मल्ला का या चार मल्ला का या एक केनाल का जो है वो प्लॉट लेना चाहता है वो सीज ईस्ट ब्लॉक ए में तो उसके बारे में मेरी रिकमेंडेशन जो है वो क्या है अब अगर हम ओवर ईस्ट ब्लॉक ए की लोकेशन की बात करें तो ये लोकेटेड है इन द सेंटर ऑफ कैपिडल स्मार्ट सिटी जो कैपिडल स्मार्ट सिटी का फेज़ वन है उसका बिल्कुल अगर हम सेंटर पॉइंट बताएं तो वो वो ओवरसीज ईस्ट का ब्लॉक ए है जब आप मोटरवे से कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी एंटर चेन से जब आप एंटर होते हैं तो आपके सामने 400 फीट मेन बुलेवार्ड आती है और उसके तकरीबन राउंड राउंड अबाउट 800 मीटर्स या वन किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद आपके सामने जो है वो एक्सेस टू आती है जो कि टू फीट मेन बुलेवार्ड है उस पर जैसे ही आप एंटर होते हैं एक्सेस टू पे तो आपके लेफ्ट साइड पे ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक के आता है और उसके आगे जो है वो ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए आता है आपके ब्लॉक ए के लेफ्ट साइड पर जो है वो गोल्फ कोर्स आता है ये पहली एक्सेस है अगर आप मोटरवे से जो है वो इसको एक्सेस करते हैं अगर हम सेकंड एक्सेस की बात करें तो आप रवलपिडी रिंग रोड को यूज़ करते हुए जब आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में एंटर होंगे फ्यूचर में तो आपके सामने जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक्सेस थ्री आएगी जिसको एंटर होते सारी लेफ्ट साइड पे ओवर सीज प्राइम ब्लॉक बी और ब्लॉक ए आएंगे जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस करते हुए ओवर ईस्ट ब्लॉक सी तक कनेक्ट करेंगे और उससे लेफ्ट साइड पर जब आप टर्न लेते हैं तो आपके सामने सेक्टर बी और सेक्टर ओ ए जो है वो ओवर ईस्ट के आते हैं अब अगर हम बात करें थर्ड एक्सेस की तो अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो है वो चक्री टूल प्लाजा से जो है वो एक्सेस करते हैं और यहाँ फिर आप ब्लू ब्लूवर्ड सिटी वाली साइड से आते हैं तो आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक से जो है वो एंटर होंगे जो कि ओवरसीज कैपिटल स्मार्ट सिटी की एक्सेस वन कहलाती है जब जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपके राइट साइड पर जो है वो ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक जी आएगा और उसके बाद आप ओवरसीज़ प्राइम ब्लॉक एच से जो है वो क्रॉस करते हुए एक्सेस वन जो है वो एक्सेस टू के साथ मिल जाएगी और आप एक्सेस टू को एक्सेस करते हुए ओ ईस्ट के ब्लॉक ए तक जय वो पहुंच जाएंगे जो कि बिल्कुल एडजस्टेंट लोकेटेड है हेमल्टन हिल्स के ये तीन एक्सेस हैं जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में लोकेटेड है ओ ईस्ट ब्लॉक ए को एक्सेस करने के लिए अब अगर हम ब्लॉक ए में साइजेस और डायमेंशन की बात करें तो वो ईस्ट ब्लॉक ए में पाँच साइजेस के जय वो प्लाट्स लोकेटेड है जिसमें टॉप ऑफ द पेयरिटी दस मला के रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं फिर एक केनाल के रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं दो किनाल के विलाज हैं और चार मला कमर्शियल प्लाट्स हैं ये डिफरेंट कैटेगरीज के प्लाट्स हैं जो कि ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए में लोकेटेड है अब अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो दस मला प्लॉट का जो है वो साइज बनता है थर्टी फाइव बाई सिक्सटी फाइव पैंतीस बाई पैंसठ का प्लॉट है और ये टू हंड्रेड एंड फिफ्टी स्क्वेयर यार्ड का जो है वो प्लॉट बनता है और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स की बात करें तो टू हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री प्लाट्स हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के में ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए में अब अगर हम एक केनाल के प्लॉट्स की बात करें तो एक केनाल का प्लॉट का साइज़ बनता है फिफ्टी टू नाइनटी फाइव हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड्स और ये टोटल ट्वेंटी सिक्स प्लाट्स हैं जो कि ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए में लोकेटेड है अगर हम दो किनाल के विलास की बात करें तो टोटल जो है वो थर्टीन विलाज लोकेटेड है ओवर ईस्ट ब्लॉक ए में जिसका साइज बनता है सेवनटी फाइव इंटू वन टवेंटी और ये थाउजेंड स्क्र यार्ड्स के जो है वो विलाज हैं जो कि ओव ईस्ट में लोकेटेड है अब इसके बाद हम बात करें फोर मला कमर्शल प्लाट की तो इनका साइज़ बनता है ट्वेंटी सिक्स इंटू थर्टी फाइव ये हंड्रेड स्क्वेयर यार्ड्स के प्लॉट हैं और ये टोटल ट्वेंटी सिक्स प्लाट्स हैं जो कि ओवरसीज ब्लॉक ए में लोकेटेड है इसके अलावा कुछ बारह मल्ला के प्लॉट्स भी जो है वो लोकेटेड हैं ओवरसीज ईस्ट में कुछ कॉर्नर प्लाट्स दस मल्ल के उनके साथ एक्स्ट्रा लैंड है और वो टोटल जो है वो बारह मल्ला के प्लॉट हैं जो कि लिमिटेड जो है वो प्लॉट हैं अब अगर हम प्राइस की बात करें कि जो कैपेडल स्मार्ट सिटी में दस मल्ला रेजिडेंशियल प्लाट्स लॉन्च हुए थे उनकी प्री लॉन्च और लॉन्च प्राइसिस क्या थी और उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट चार्जेस थे दस मल्ला का जो फर्स्ट रेट लॉन्च हुआ था कैपेडल स्मार्ट सिटी में उसकी टोटल प्राइस थी थर्टी थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड और उसके ऊपर जो टोटल डेवलपमेंट चार्जेस थे दैट वाज ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड तो ये टोटल अगर हम जनरल प्लॉट की बात करें तो टोटल जो है वो आपको फोर्टी सिक्स लाख में जो है वो कॉस्ट करता था जो प्री लॉन्च प्राइसेज थी अगर उसके बाद हम लॉन्च प्राइसेज की बात करें तो दस मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट की लॉन्च प्राइस थी थर्टी सिक्स लाख रुपीज और उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस थे साढ़े बारह लाख रुपए जो कि आपको टोटल कॉस्ट करता है फोर्टी एट लाख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज अब अगर हम उसके ऊपर प्रॉफिट्स की बात करें कि दस मल्ला रेजिडेंशियल प्लॉट आज की डेट में जो प्रॉफिट है उसके ऊपर कितना चाह रहा है तो जो दस मल्ला का वो ईस्ट ब्लॉक ए में प्लॉट लोकेटेड है उसके ऊपर प्रॉफिट वेरी करता है फ्रॉम एट लाख रुपीज

लॉन्च रेट 36 लाख का जो प्राइज है अब अगर हम चार मल्ला कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें तो चार मल्ला का जो फर्स्ट रेट आया था दैट वाज 56 लाख रुपीस और ये टोटल प्लॉट है और बहुत ही ज्यादा प्राइम लोकेशन के प्लॉट्स थे इसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस दट वॉज ट्वेंटी टू लाख रुपीज और इसके ऊपर अब अगर अगर हम करंटली मार्केट प्रॉफिट की बात करें तो इट इज अराउंड थर्टी थर्टी फाइव लाख रुपीज फोर्टी लाख रुपीज डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ द प्लॉट और ये जो 26 सिक्स प्लाट्स हैं इस पर मेजोरिटी है वो सोसाइटी के प्लास पास जय वो प्लाट्स हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो सोसाइटी ने कमर्शियल से वो प्लान आउट कर दिए हैं और जिसके लिए डिगिंग का प्रोसेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है इसमें सोसाइटी ग्राउंड प्लस थ्री फ्लोर्स के जो है वो कमर्शियल्स बनाएगी और उसके ग्रे स्ट्रक्चर बना के जो है वो सेल आउट करेगी इनमें कुछ कमर्शल्स है वो क्लाइंट्स के पास भी हैं उनके उनमें भी ऑप्शन दिया जा रहा है कि अगर आप ग्रे स्ट्रक्चर बना के इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आप इसको जो है वो सेल आउट कर सकते हैं इसके अलावा अगर हम दो किनाल के विलाज की बात करें तो टोटल ये थर्टीन विलास है जिसमें से एक भी विला जो है वो सेल आउट नहीं किया गया इसमें से विला नंबर थर्टीन जो है वो मलिक असलम साहब का विला है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो मूव करेंगे और उसकी आजकल विला की जो है वो फिनिशिंग का काम जो है वो जारी है इसके अलावा अगर हम बात करें जो एक किनाल के प्लाट्स हैं वो डेवलप्ड है पोजिशनेबल है उसका जो प्री लॉन्च रेट था दैट वॉज फोर्टी नाइन लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ और उसके ऊपर जो डेवलपमेंट चार्जेस थे दैट वॉज ट्वेंटी सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ और इसकी अगर आप करंटली मार्केट प्रॉफिट की बात करें जो केनाल का पहला रेट आया था उनचास लाख पचहत्तर हजार रुपए का उसके ऊपर तकरीबन अभी प्रॉफिट है तकरीबन अराउंड टेन लाख रुपीस एंड इट गोज अपि लाख रुपीस क्योंकि जो केनाल के सबसे फेवरेट तीन प्लॉट्स हैं दैट इज इन द दीज ईस्ट ब्लॉक बी क्योंकि केनाल के बिल्कुल लिमिटेड से प्लॉट जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है अब अगर हम पोजिशन की बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ईस्ट ब्लॉक ए हंड्रेड जो है वो पोजेशनेबल है आप फॉरन कब्जा लेके फॉरन प्लॉट का ट्रांसफर करवा के transfer कर अपने प्लाट का जो है वो पोजिशन ले सकते हैं और उसके बाद जो है वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इनफैक्ट ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए में अगर हम आज की डेट में बात करें कैबडा स्मार्ट सिटी ओवरसीज ईस्ट में तकरीबन पांच घर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और लोगों ने वहाँ पे घरों घर, की कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए वो पहला ब्लॉक था जिसका पोजिशन जो है वो सोसाइटी ने अनाउंस किया था इन द द्वेंटी ट्वेंटी वन इसके अलावा अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो ये हंड्रेड परसेंट डेवलप ब्लॉक है हंड्रेड परसेंट पोजिशल ब्लॉक है कैपर स्मार्ट सिटी वोसीज ईस्ट ब्लॉक ए में फाइव स्ट्रीट्स हैं और फाइव लेंस हैं और वो फुली डेवलप्ड है पोजिशनेबल है और उसके ऊपर पूरी तरह से जितना भी डेवलपमेंट का काम था वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट है जिसमें स्ट्रीट की कारपेटिंग स्ट्रीट लाइट्स का वर्क सेवरेज वाटर आ, पाइप्स का काम सारा काम जो है वो हंड्रेड परसेंट कम्प्लीट है अब अगर हम अम्यूनिटीज़ की बात करें तो कैपर स्मार्ट सिटी के वसीज ईस्ट ब्लॉक के बिल्कुल एडजस्टेड जो है वो सीज बी ब्लॉक लोकेटेड है और उसके सामने जो है वो हंड्रेड के नाल पर जो है वो फ्लावर पार्क जो है वो लोकेटेड है जो कि हंड्रेड परसेंट जो है वो कम्प्लीट है और इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी वो सीज ईस्ट ब्लॉक के बिल्कुल सामने जो है वो स्मार्ट हॉस्पिटल लोकेटेड है फिफ्टी बेड हॉस्पिटल लोकेटेड है जो कि तकरीबन जो है वो नाइन्टी परसेंट जो है वो कम्प्लीट कर दिया गया है इसके अलावा अगर हम बात करें गोल्फ कोर्स की तो गोल्फ कोर्स बिल्कुल एडजस्टेंड लोकेटेड है वो सीज ईस्ट ब्लॉक ए के इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल की तो ब्लॉक ए के बिल्कुल एडजस्टेंड जो है वो स्मार्ट स्टेम स्कूल कैपिटल स्मार्ट सिटी का फर्स्ट स्कूल जो है वो लोकेटेड है और ये हंड्रेड परसेंट ऑपरेशनल है जिसमें भी बच्चों के जो है वो हो रहे हैं और वहाँ पे रेगुलरली जो है वो क्लासेस हो रही हैं और इसी स्कूल के सामने जो है वो आपके लीनियर पार्कस आते हैं दो साइड पे ब्लॉक के की तरफ भी आपके एक लीनियर पार्क आती है और ब्लॉक ए की तरफ भी जो है वो आपके लीनियर पार्क आती है जो कि हंड्रेड जो है वो डेवलप्ड है और जिसमें जितना भी हॉटिकल्चर का काम है वो हंड्रेड जो है वो कम्प्लीट है अब अगर हम मॉस की बात करें तो कैपडा स्मार्ट सिटी के रोड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जो है वो हेमल्टन हिल्स लोकेटेड है और उसमें ग्रैंड जाम मॉस जो है वो तकरीबन जो है जिसका स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीट कर दिया गया है तो आप जितनी भी अम्यूनिटीज़ देखेंगे आया कि वो स्कूल हो मस्जिद हो पार्कस हों वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में ओवरसीज ईस्ट ए ब्लॉक के बिल्कुल एडजस्टेड जो है वो लोकेटेड है और उनके बिल्कुल नियरेस्ट जो वो है वो फॉल करती हैं अब अगर हम बात करें कि इस ब्लॉक ए के बारे में मेरी क्या रिकमेंडेशन देखिए जो दस मल्ला के हिसाब से अगर हम बात करें जो सबसे मोस्ट फेवरेट तीन ब्लॉक है और जिसकी मार्केट वैल्यू जो है वो सबसे अच्छी है दैट इज़ ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक सी दस मिला के लिए सबसे फेवरेट थ्री ब्लॉक री सेलिंग के वाइस है वो ब्लॉक सी है लेकिन मेरी ज़ाति राय में जो सबसे अच्छा ब्लॉक है दस मिला का दैट इज़ ओवर ईस्ट ब्लॉक ए क्योंकि पहली बात इसकी एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छी है सेकेंड थिंग जितनी भी आपकी बेसिक कम्यूनिटीज़ हैं सच एज कमर्शल मॉस्क स्कूल फिर उसके अलावा जो है वो पार्क्स वो बिल्कुल आपके जो, वो A, जो वो है वो ब्लॉक ए के सराउंडिंग्स पर जो है वो लोकेटेड है तो सबसे अच्छी जो लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंडिविजुअल जो है वो प्लॉट लेता है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो ब्लॉक है दस मलाका का दैट इज ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए सेकेंड थिंग अगर हम कमर्शियल्स की बात करें तो अभी सबसे मोस्ट फेवरेट कमर्शियल जो कि ओवरसीज ईस्ट में लोकेटेड है दैट इज इन द दीज ईस्ट ब्लॉक ए एंड ब्लॉक के पूरे कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो चार के सबसे फेवरेट तीन कमर्शियल्स हैं दैट इज इन ओवरसीज ईस्ट ब्लॉक ए एंड ब्लॉक के सो वीवस दिस वॉज इट फ्रॉम टुडे। अगर आपको कैबिटेट स्मार्ट सिटी में बुकिंग या इंस्टॉलमेंट्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे दिवे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एंड डू विजिट और वेबसाइट डब्ल्यू अगली वीडियो तक शारे सीमा को दीजिएगा इजाजत अल्लाह हाफेज